ये देखिए, ये मैंने गाय के दूध उबलने के लिए रखे थे तो ये दूध फट गया। यहाँ पर मैं इस मेजरमेंट कप से ये एक कप छेना ली हूँ और ये एक चम्मच मैदा ले रही हूँ जो ऑल पर्पज फ्लोर बोलते हैं। इसको अब हम इसमें डालकर मसल लेंगे अच्छी तरह से। हमारा ये डो रेडी हो गया है, हम इसमें से ये छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। मैं एक फ्राइंग पैन गर्म कर ली हूँ, अब इसमें मैं एक चम्मच ही तेल दे रही हूँ। अब उसमें इस बॉल को हम डाल लेंगे। ध्यान से इसको फ्राई कीजिएगा नहीं तो ये खुल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा तेल में शॉलो फ्राई कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। एक मिनट में इसको ऐसे पलट लीजिए थोड़ा थोड़ा। अब हमारा ये छेना बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में ही हम यहाँ पर और दो चम्मच तेल देंगे और एक चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम ये थोड़ा काजू और किशमिश रखेंगे, इसको हम तल लेंगे। अब इसको मैं तल के निकाल ली हूँ, ये दो तेज पत्ता और ये तीन इलायची, इसको देके हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें मैं देखिए ये थोड़ा ग्रीन चिल्ली काट कर रखी हूँ चार, इसको दे दूँ। अब ये अदरक प्याज लहसुन दो प्याज और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक और लहसुन आठ दस कलियाँ, इसको देके हम अब भून लेंगे। अब इसमें मैं दो टमाटर डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नमक और शाही पनीर का जो मसाला होता है उसमें से मैं एक चम्मच ली हूँ, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च सबको मैं एक एक चम्मच, ये शाही पनीर मसाला और ये लाल मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे तो इसको जीरा पाउडर धनिया पाउडर से भी बना सकते हैं। टमाटर गलने के लिए हम थोड़ा सा पानी दे देंगे और ढककर इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम चेक कर लेंगे, देखिए ये बिल्कुल गल गया है टमाटर, तेल भी छोड़ने लगा है मसाले। इसको और थोड़ा भून लेंगे 5 मिनट। अब यहाँ पर हम ये एक कप के मैं पानी ले रही हूँ, आधा कप डाली हूँ। देखिए एक कप में से ग्रेवी को आप अपने हिसाब से रखिए, इसमें से आप इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं या फिर दूध भी डाल सकते हैं या फिर आप काजू को पेस्ट करके भी इसका जो थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम मैं एक आलू रखी हूँ, हमारा घर में आलू का ज़्यादा यूज होता है तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसमें से उबल आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारा जो छेना बॉल्स था उसको डाल दें। अब हम इसमें जो रोस्टेड किशमिश और काजू रखे थे उसको डाल रही हूँ और थोड़ा सा गर्म मसाला। अब हम इसको मिला लेंगे, इसको हल्के हाथों से मिलाइए नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, देखिए इसको बंद कर ले मैं। ये हमारा छेना का जो सब्जी है, उड़ीसा का ये स्पेशल सब्जी है, ये बनकर रेडी है। इसको आप चावल रोटी पूरी सबके साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कि आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।